हे एवरी वन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल साइंस लर्निंग अकेडमी। मैं हूँ आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो आज हम न्यू टॉपिक या न्यू चैप्टर जो है वो शुरू कर रहे हैं, वो है स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। तो स्टार्स एंड सोलर सिस्टम में इसमें हम पढ़ेंगे कि स्टार्स क्या होते हैं और हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो सभी चीज़ें आज हम इस टॉपिक या इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। पहली एंड पूजो विजिटिंग देयर ग्रैंड पेरेंट्स विलेज ड्यूरिंग द समर ब्रेक, यानी कि जो पहली और बूजो हैं वो कहाँ गए हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट जो हैं अपने दादा दादी के जो गांव हैं वहाँ पर गए हैं समर ब्रेक्स में। और डिनर के बाद जब वो छत पर आते हैं तो वो क्या देखते हैं, बहुत साफ, बिल्कुल क्या है, क्लियर क्लाउडनेस नाइट है और उसमें क्या है, बहुत छोटे छोटे से जो स्टार्स हैं, ठीक है, जो स्टार्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स जो है वहाँ पर ब्राइट कर रहे हैं स्काई में। दे हैड नेवर सीन सच ए ब्यूटिफुल सीन इन देयर सिटी, ठीक है, उन्होंने इस तरह का सीन कभी भी सिटी में नहीं देखा था। पहली वंडर्ड वाई द विलेज स्काई वॉज सो डिफरेंट फ्रॉम द नाइट स्काई इन बिग सिटीज़, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहली और बूझो है वो क्या देख रहे हैं, रात में आसमान को देख रहे हैं जहाँ पे चांद और तारे जो हैं वो चमक रहे हैं, बहुत सारे तारे जो हैं वो चमक रहे हैं और चांद भी बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, यानी कि आसमान जो है बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पे जो पहली है वो वंडर है कि इस तरह का जो स्काई है वो सिटीज़ में क्यों नहीं दिखाई देता है, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है उसमें इस तरह का स्काई क्यों नहीं दिखाई देता रात को। तो उसके जो ग्रैंडफादर है वो एक्सप्लेन करते हैं दैट द ड्यू टू ब्राइट लाइट स्मोक एंड डस्ट, ठीक है, ब्राइट लाइट होने की वजह से, स्मोक होने की वजह से और डस्ट होने की वजह से वहाँ पर क्या सिटीज़ में इस तरह का बिल्कुल साफ आसमान नहीं दिखाई देता है। द स्काई इन बिग सिटीज़ इज रियली क्लियर, ठीक है, जो स्काई होता है बिग सिटीज़ में वो बहुत कम ही क्लियर दिखाई देता है। ही ऑल्सो आइडेंटिफाई सम ऑब्जेक्ट सीन इन दिस नाइट स्काई एंड टोल्ड स्टोरीज एसोसिएटेड विद डैम, ठीक है। और उसके ग्रैंडफादर ने क्या किया, जो स्काई में जो 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 चीज़ें चमक रही हैं उनके बारे में छोटी छोटी कहानियाँ सुनाई, जैसे कि हम लोगों ने भी सुनी होंगी कहानियाँ, आप लोगों ने भी सुनी होंगी, शंदा मामा की भी आपने सुनी होगी, पोएम सुनी होगी। तो इस तरह से उनके दादाजी ने भी क्या किया, इस तरह की कहानियाँ सुनाई। नाइट स्काई वॉचिंग कैन बी फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस एट ए प्लेस वेयर देयर इज़ नो ब्राइट लाइट्स एंड द एटमोसफियर इज़ क्लियर, जो रात में जो आसमान होता है वो वहाँ देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, जहाँ पर या बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जहाँ पर बिल्कुल भी कोई भी ब्राइट लाइट नहीं हो और आसमान जो है वो क्लियर हो। Look at the sky on dark clear night, you see the entire sky dotted with countless stars, some bright and some not so bright, observe them carefully, ठीक है। तो जब हम रात में क्या देखते हैं, आसमान में देखते हैं, तो वह बिल्कुल जब क्लियर नाइट होती है तो उस टाइम पे हमें डोटेड डोटेड क्या दिखते हैं, स्टार्स दिखते हैं, जो कि काउंटलेस स्टार्स होते हैं, कुछ चमक रहे होते हैं और कुछ नहीं चमक रहे होते हैं, मतलब चमक तो रहे हैं लेकिन वो उतने ब्राइट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हम रात में क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर सकते हैं। डू ऑल ऑफ देम अपीयर टू ट्विंकल, डू यू फाइंड एनी स्टार लाइक ऑब्जेक्ट विच डज नॉट ट्विंकल, ठीक है, क्या आपने इस तरह के जो स्टार्स हैं वो देखे हैं जो कि स्टार लाइक ऑब्जेक्ट तो है लेकिन वो ट्विंकल यानी कि टिमटिमा नहीं रहे हैं। द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट ट्विंकल आर प्लैनेट्स, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट जो कि ट्विंकल नहीं करते हैं वो क्या होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं। द मून इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई, जो मून होता है वो ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट होता है रात में आसमान में। द स्टार्स द प्लैनेट एंड द मून एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट इन स्काई आर कॉल्ड क्लिस्टियर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जो मून होता है वो क्या ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है नाइट स्काई में, और जो स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, मून हैं और जितने भी ये ऑब्जेक्ट्स हैं ये क्या होते हैं, क्लिस्टेरियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। द स्टडी ऑफ क्लिस्टेरियल ऑब्जेक्ट्स एंड एसोसिएटेड फिनोमिना इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी, जो क्लिस्टेरियल ऑब्जेक्ट की जो स्टडी होती है या उससे रिलेटेड जो एसोसिएटेड फिनोमिना है उसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपकी डेफिनेशन आ सकती है, व्हाट इज एस्ट्रोनॉमी, या डिफाइन कीजिए एस्ट्रोनॉमी को, तो आप क्या लिखेंगे, द स्टडी ऑफ क्लिस्टेरियल ऑब्जेक्ट्स एंड एसोसिएटेड फिनोमिना इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। सेकेंड क्वेश्चन क्या बन सकता है कि व्हाट इज क्लिस्टेरियल ऑब्जेक्ट, क्लिस्टेरियल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, द स्टार्स द प्लेनेट द मून एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट इन द स्काई आर कॉल्ड क्लिस्टेरियल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इन एंशंट इंडिया अवर एनसिस्टर परफॉर्म मैथडोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ स्काई, देयर नॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी वॉज हाईली एडवांस फॉर देयर टाइम, ठीक है, यानी कि जो हमारे एंशंट इंडिया में जो एनसिस्टर थे वो मैथडोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन करते थे स्काई की, और उस टाइम पर वो जो नॉलेज थी वो हाईली एडवांस थी उस टाइम के हिसाब से। पैसेज ऑफ सन, स्टार्स, मून एंड प्लेनेट स्काई हेल्प देम टू डिवाइस कैलेंडर एंड एलिमेंट्स, ठीक है, और ये जो जो
पैसेज होता है, यानी कि जो सन है, स्टार्स है, मून है, प्लेनेट्स है, ठीक है, इनका इनका जो चलने का है, मतलब किस तरह से कब मोमेंट कर रहे हैं, कितने जो कैलेंडर है हमारा, वो बेसिकली वो इसी बेसिस पे वो क्या करते हैं, बनाते थे, ठीक है, कि किस तरह से सन, स्टार्स और मून और प्लेनेट को ऑब्जर्व करके वो क्या बनाते थे, कैलेंडर और एलिमेंसेस का बनाते थे, एलिमेंसेस के बारे में बताते थे। देवर ऑफन यूज बाई पीपल्स इन देयर डे टू डे कंडक्ट एंड ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट एंड रेनफॉल। और इसके साथ साथ वो डे टू डे कंडक्ट और बेटर अंडरस्टैंडिंग रखते थे क्लाइमेट और रेनफॉल के बारे में, टाइमली टाइमली वो चीज़ वो बताते रहते थे और फिक्स करते थे सीजन और फेस्टिवल्स को भी, कि किस कौन से क्रॉप को किस उसमें उगाना है। लेट अस ऑल्सो मेक सम ऑब्जर्वेशन ऑफ क्रिस्टल ऑब्जेक्ट एंड लर्न अबाउट दैम। जैसे कि यहाँ पर है मून, ऑब्जर्व द मून कॉन्टिन्यूसली फॉर सेवरल नाइट्स, प्रिफरेबली फ्रॉम वन फुल मून टू द नेक्स्ट। मेक ए स्केच ऑफ मून एवरी नाइट इन योर नोटबुक एंड नोट द डे फ्रॉम द डे ऑफ फुल मून। ऑल्सो नोट एवरी डे द पार्ट ऑफ स्काई ईस्ट और वेस्ट इन विच द मून इज सीन। ठीक है, तो ये एक्टिविटी बच्चों आपको करनी है, ये आज के लिए आपका होमवर्क है। ठीक है, आपको क्या करना है, जो मून है आपने आज कैसा मून देखा, परसों कैसा मून देखा, ये जो एक्टिविटी है मैं आपकी चेक करूँगी नेक्स्ट मंडे को। ठीक है, तो आपको क्या करना है, और आप सभी बच्चों को ये करनी है क्योंकि इसके मैं मार्क्स दूंगी आप लोगों को। ठीक है, तो आप सभी, एक तरह का ये आपका टेस्ट है, आप सभी को क्या करना है, एक हफ्ते तक मून को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, रात में आपको मून को ऑब्जर्व करना है और जिस तरह का मून आपको दिख रहा है उस तरह की मून की पिक्चर आपको अपनी, जो एक आप ले सकते हैं प्लेन पेपर ले लीजिएगा, ए फोर शीट आती है ना, ए फोर शीट ले लीजिएगा, उस पर आपको ये बनानी है। ठीक है, उस पर आप बॉक्सेस बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आज क्या है, मंडे है, और नेक्स्ट मंडे के लिए आप क्या बना सकते हैं, बॉक्सेस बना सकते हैं, डे वन, डे टू, डे थ्री, डे फोर, डे फाइव, डे सिक्स, डे सेवन, इस तरह से 7 दिन का आपका ये बन जाएगा। और मंडे में आपको ये मेरे को सेंड करनी है। ठीक है, मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आपको ये जो एक्टिविटी है वो सेंड करनी है। समझ में आ गया एक्टिविटी में क्या करना है, आपको रात में ऑब्जर्व करना है मून किस तरह का दिख रहा है, पूरा दिख रहा है, आधा दिख रहा है, किस तरह का है, इस तरह से आपको बनाना है। कलर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, कलर करना चाहते हो तो। ठीक है, इस तरह से आपको नोट डाउन करके रखना है अपनी ए फोर शीट पर, बॉक्सेस बना करके, डे वन, डे टू, डे थ्री, डे फोर, डे फाइव, डे सिक्स, डे सेवन। ठीक है, और फिर वो मेरे को सेंड करनी है। ये एक तरह का आपका टेस्ट हो गया है। ओके, इसके मार्क्स आपको मिलेंगे। ये देखो जिस तरह से यहाँ पर कौन बना रही है, पहेली बना रही है, देखो। ठीक है, फुल मून दिखा, हाफ मून दिखा, या किस तरह का मून दिखा, ये आपको इस तरह से बनानी है एक्टिविटी। ठीक है बच्चों जी, तो आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में हम मून के बारे में डिस्कस करेंगे कि मून क्या है और किस तरह से उसकी शेप जो है वो चेंज होती रहती है, क्या फेजेस होते हैं मून के। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम करेंगे कल डिस्कस। आज के लिए आपका होमवर्क मैंने दे दिया है, वो होमवर्क आप कंप्लीट करेंगे, मुझे मंडे तक आपको सबमिट करना है। ओके, नेक्स्ट मंडे जो आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।